वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। सो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर फिजिक्स का, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ये चैप्टर नंबर हमारा क्या कौन सा पड़ेगा, रे और वेव। दो चैप्टर खत्म हो चुके हैं, मतलब 9-10 चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 11 पड़ेगा, है ना। तो चैप्टर नंबर 11 होगा। इस चैप्टर का नाम बहुत बढ़िया सा है, प्यारा सा, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन रेडिएशन एंड मैटर। बहुत लंबा नाम है इस चैप्टर का, है ना। और इस चैप्टर का आज का ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर। और इस फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि ये टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, और थ्योरेटिकल के साथ साथ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है इसमें, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। टोटली ये चैप्टर एक्सपेरिमेंट पर बेस है। किस पर बेस है ये? एक्सपेरिमेंट पे। एक एक्सपेरिमेंट पूरे इस चैप्टर को मतलब समझा, आपको क्लियर कर देगा। एक एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर का कह लीजिए कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगा, ठीक है ना। तो ड्यूअल नेचर क्या है? ड्यूअल का मतलब होता है दो नेचर, कि रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब लाइट और मैटर। तो पहले हम रेडिएशन का दो नेचर पढ़ेंगे, फिर बाद में मैटर का दो नेचर। मैटर का मतलब मटेरियल पार्टिकल से होता है, मटेरियल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, दैट्स इट। ये सब क्या होते हैं? मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। इनका भी दो नेचर होता है, लाइट रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब लाइट, लाइट का भी दो नेचर, ड्यूअल नेचर, है ना, दो नेचर। जैसे इंसान की कभी कभी दो नेचर होते हैं, है ना, एक सामने दिखावा कुछ, पीछे कुछ और, है कि नहीं। तो दो नेचर, ऐसा लाइट का भी दो नेचर होता है। एक लाइट नेचर में आपने वेव नेचर पढ़ा, और एक नेचर है किसका, पार्टिकल नेचर। ये पार्टिकल नेचर कैसे पता चला? जब एक फेनोमेना देखा गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा फेनोमेना? हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फेनोमेना को जब देखा गया, तो लाइट को वेव के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हम का मतलब कि साइंटिस्ट लोग नहीं कर सके। तो उन्होंने इसको पार्टिकल नेचर से प्रूफ किया, और उसमें सबसे बड़ी थ्योरी अप्लाई की, मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उन्हीं का था, ठीक है ना। तो पहले हम जानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिर्फ इतनी सी बात पूछ ले आपसे, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये पूछ ले कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आप क्या बताओगे? तो ये क्या है? एक फेनोमेना है, या कह लीजिए प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? इलेक्ट्रॉन को निकालने का प्रोसेस। किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसे मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना या किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन निकालने का बहुत सारे प्रोसेस हैं, है ना। जैसे थर्मोनिक एमिशन होता है ना, और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, है ना। बहुत सारे तरीके हैं। उसी तरीके में से एक तरीका, एक वे, एक प्रोसेस हमारा क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो हेडिंग रहेगा सबसे पहले आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो कोई यहां पे मेटल सरफेस है, एक मेटल ये है, दो मेटल है। इस मेटल को हमने क्या किया, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, बैटरी के नेगेटिव से, और इसे हमने एक अमीटर लगा करके बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। किससे? हाँ, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है।
ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने, कहीं भी लगा दीजिए, अमीटर लगाना है तो सर्किट में, चाहे इधर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए। अमीटर काम क्या है, करंट को मेजर करना। आप इसके प्लेस पे गैल्वेनोमीटर यूज कर सकते हो। तो हम यहां पे लगा दे रहे हैं क्या, मान लो कि ये है, हाँ गैल्वेनोमीटर या अमीटर मान लेते हैं, अमीटर, ठीक है, क्योंकि अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही यूज करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा भी करंट अगर फ्लो हो ना तो शो कर दे वहां पे, क्लियर ना। इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अमीटर, ठीक है ना। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है क्या, इस और इस पूरे सिस्टम को एक वैक्यूम में रखा गया है, मतलब एक बल्ब है, ग्लास बल्ब है, तो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया है ना। क्या इस कंडीशन में करंट फ्लो होगा, इस समय कोई करंट फ्लो होगा इसमें, नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि यहां सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। अगर कोई वायर लगा होता तो करंट फ्लो कर जाता। अब यही करंट फ्लो कराना है, सर्किट कंप्लीट करानी है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन या तो यहां से यहां फ्लो करे या तो यहां से यहां फ्लो करेंगे। ऑब्वियसली आप लोग अगर जानना चाहेंगे तो करंट किधर से किधर फ्लो करना चाहिए, इससे इस साइड, मतलब ये आपका क्या है, कैथोड है, ये क्या है, कैथोड है, और ये क्या है आपका, एनोड है ना, कैथोड और एनोड, ठीक है, कैथोड और एनोड। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करना चाहिए, इस साइड, है ना। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इस पर हाई फ्रिक्वेंसी की जब लाइट स्ट्राइक कराए, किस फ्रिक्वेंसी की, हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट जब यहां पर स्ट्राइक कराए तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, क्या निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन, और ये किधर मूव करना स्टार्ट कर दिए, पॉजिटिव प्लेट की तरफ पहुंचना स्टार्ट कर दिए। तो इसमें क्या होता है, एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, एक करंट फ्लो होता है किधर किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। इस करंट को हम लोग कहते हैं फोटो करंट, क्या कहते हैं, फोटो करंट, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, या इसी को लाइट इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, लाइट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये कौन सी लाइट रेज है, हाई फ्रिक्वेंसी में हम लोग लेते हैं यूवी रेज, मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट रेज। जैसे ही हम यहां पे स्ट्राइक कराते हैं और इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन शो करता है, क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। तो बस इलेक्ट्रॉन के निकलने का ही फिनोमेना क्या है हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसमें सबसे पहले हालवेस ने देखा था, जिसने हालवेस ने, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए थे, तो आगे चल करके हर्ज आए साइंटिस्ट, हर्ज भी ने भी एक्सपेरिमेंट किया, और हर्ज इस घटना का, इस फेनोमेना का स्वयं ही कारण बता ना सके क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे हैं, तो मतलब ये, मतलब इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं ये उनको नहीं पता था, मतलब ये कैसे करंट फ्लो हो रहा है इस फेनोमेना को बता नहीं सके सेटिस्फैक्ट्री। तो बाद में सर जे जे थॉम्सन ने बताया था कि हाई फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आने से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, क्या निकलने लगते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं हाई फ्रिक्वेंसी के यहाँ पे स्ट्राइक करने से, ठीक है। तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री थॉम्सन ने भी नहीं बताया, लेकिन हाँ उन्होंने ये साबित कर दिया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच रहे हैं तभी करंट फ्लो कर रहा है, ये बात उन्होंने क्लियर कर दिया था सर जे जे थॉम्सन ने, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, लेनार्ड मिल्कन और हर्ज ने और ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो हालवेस के बाद हर्ज ने एक देखा था, लेकिन बाद में इसको और डीपली हर्ज और लेनार्ड ने ऑब्जर्वेशन किया, बहुत डीप में जाके स्टडी किया, तब जाकर के ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फेनोमेना है कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया। तो वो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे बाद में, तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। तो आप क्या बताओगे, हाँ, जब कोई हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वहां से क्या निकलते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यू कैन राइट एंड ड्रॉ दिस फिगर,
तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे ज़्यादा डीप किसने एक्सपेरिमेंट किया? हर्ट्ज और लेनार्ड ने। तो उनका ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे हम लोग। तो हेडिंग क्या बनेगा? हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, ये आपकी हेडिंग बनेगी। हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशंस। तो आइए इसका हम एक बड़ा सा फिगर बनाते हैं और उस फिगर से ही मतलब पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। कंप्लीट सेटअप तो नहीं बन पाता, लेकिन फिर भी हम एक कोशिश करेंगे मोटा मोटा डायग्राम जो है बन जाए, ठीक है। कुछ यहां एक क्वार्ट्ज की विंडो लगी है। किसकी विंडो? हाँ मतलब ये पैक है, ऐसा नहीं कि एकदम खुला हुआ है, ये क्वार्ट्ज की विंडो है। ये ग्लास का बल्ब है, ठीक है। क्या है? ग्लास का बल्ब। ये ग्लास का एक बल्ब है और इस बल्ब के ऊपर क्वार्ट्ज की विंडो लगी होती है जिससे लाइट इंटर्स कर सके। और यहां एक मेटल का बड़ा सा प्लेट लगा देते हैं, है ना, एक बड़ा सा ये प्लेट है आपका। इस प्लेट का नाम रखा गया प्लेट P1। और एक प्लेट यहां लगाया गया है, इस प्लेट का नाम है प्लेट P2। यहां से वायर लगाया गया है, कनेक्ट किया गया है ऐसे, ठीक है। इसे हम लोग कनेक्ट करते हैं अमीटर से, यहाँ प्लस माइनस, और यहाँ हमारा एक लगा होता है कम्यूटेटर। क्या लगा होता है? कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर काम क्या है मालूम है? नहीं मालूम आप लोग को, है ना। एक कम्यूटेटर लगा होता है यहाँ पे, क्या हुआ? कम्यूटेटर इसको बोलते हैं द्विक परिवर्तक हिंदी में, ठीक है। कम्यूटेटर होता है ये, बनाते जाइए डायग्राम को। डायग्राम तो बहुत खतरनाक है लेकिन फिर भी ठीक है, है ना। ये कम्यूटेटर है और इसे हमने कहा प्लग टू। यहाँ प्लग टू टू लगाएंगे, यहाँ प्लग वन वन लगाएंगे, ठीक है। ये कनेक्ट है यहाँ से, ठीक है। आगे और भी वायर गया हुआ है ऐसे, और यहाँ से कनेक्ट हमारा रहता है, ये निगेटिव है, और यहाँ कनेक्ट है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ठीक है। और ये कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव से। वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको हम दिखा रहे हैं फिर से। और यहाँ लगा होता है पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। यह है पोटेंशियल डिवाइडर आपका, कनेक्शन किया गया है। यहाँ की एक ठुलगी लगा देते हैं की। कुछ ऐसा डायग्राम हमारा है बैटरी, नेगेटिव पॉजिटिव डायग्राम आपको समझा रहा है। एक कम्यूटेटर है, एक नॉर्मल हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब हम प्लग वन वन इंसर्ट करेंगे ना, ये वन ये वन, तो ये हमारा हो जाता है क्या, ये प्लस होता है, तो यहां से ये कनेक्ट है, तो ये हमारा पॉजिटिव बन जाता है और ये बन जाता है नेगेटिव, क्लियर ना।
जब प्लग टू टू इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा निगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। ये है मतलब क्वालिटी चेंज करने के लिए हमारा काम आता है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर, ठीक है। और ये है आपका पोटेंशियल डिवाइडर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिवाइडर मतलब पोटेंशियल डिवाइड करता है, मतलब पोटेंशियल यहाँ से घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं। हाँ वही है वेरिएबल रजिस्टर, क्लियर ना? तो हम पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। भाई यहाँ पर प्लग वन वन लगाएंगे तो ये प्लस हुआ और ये प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा माइनस इसके थ्रू, क्लियर। और जब टू टू लगाएंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव, जब इसको प्लस इंसर्ट करेंगे तो। नहीं प्लग लगाते हैं ना, जो नहीं है कि आप लोग उसमें लगाते हो रेजिस्टेंस बॉक्स में, से नहीं लगाते प्लग, वही टाइप का है, उसी टाइप का इसमें भी प्लग लगाना पड़ता है चेंज करने, पोलैरिटी चेंज करने के लिए। क्या चेंज करने के लिए? पोलैरिटी, ठीक है ना। उसी काम है कम्यूटेटर का, ये क्लियर। और ये पोटेंशियल डिफरेंस बताता रहेगा कौन प्लस बन रहा है कौन माइनस बन रहा है। पोटेंशियल डिवाइडर से पोटेंशियल घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं। बैटरी से करंट भेजा जाएगा, ठीक है, मतलब करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। तो ये हम शॉर्ट एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट में। अब होगा क्या, जब हम प्लग वन वन इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? नेगेटिव होगा, मतलब ये बनेगा क्या? नेगेटिव प्लेट पे होगा और ये बनेगा पॉजिटिव प्लेट पे, ठीक है। और यहां से आती है हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट। कितनी फ्रीक्वेंसी की? हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कैसा हाई फ्रीक्वेंसी? सच एज यूवी रेज। कैसी रेज? यूवी रेज। ये हमारे जो है ना, ये क्वार्ट्ज की विंडो है। किसकी विंडो है? क्वार्ट्ज विंडो, ठीक है। ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। तो यहां जैसे ही हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट आएगी तो इसमें से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। सर्किट हमारा क्या होगा? कंप्लीट होगा। सर्किट क्या होगा? हाँ कंप्लीट होगा। और एक मैक्सिमम करंट मिलेगी, उस मैक्सिमम करंट को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड करंट, है ना, कि अब उससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। हाँ जितना इस लाइट को डालने से, जितना हमें मान लो थोड़ी इंटेंसिटी डाली, थोड़ा सा अमाउंट लाइट का डाला और हमें कुछ करंट मिल गया, अब वो जो भी करंट मिला वो अपने आप में क्या है? मैक्सिमम है, मतलब अब उससे ज्यादा करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक, ये कहने का सेंस है। तो पहला काम करिए आप लोग डायग्राम को बनाइए बढ़िया से और फिर हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। देखो जब प्लग वन वन, वेन लिखना इसमें पैराग्राफ चेंज करें, प्लग वन एंड वन आर इंसर्टेड देन पी टू बिकम पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट पी वन, के रेस्पेक्ट में पी टू हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और जो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे हाई फ्रिक्वेंसी की जब लाइट पड़ती है, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको अपनी ओर क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट। और साथ में इसके पास एनर्जी भी होती है, वो एनर्जी क्या होती है? मोशन के लिए है, मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी, जो भी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी। और इससे क्या होगा? ये खींच लेगा तो सर्किट हमारा होता है कंप्लीट और एक मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ऐसा एक्सपेरिमेंट में मिला, ठीक है ना। मान लो कुछ इंटेंसिटी की लाइट यहां पर पड़ी तो इसमें लिखना फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाई
प्लेट पी टू, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाई प्लेट पी टू। इस प्लेट पी टू से फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्शन के साथ साथ अ मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, अ मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड करंट। सैचुरेटेड करंट, ठीक है ना। एक इसमें क्या फ्लो होता है, सैचुरेटेड करंट फ्लो होता है, ठीक है। सैचुरेटेड करंट, सैचुरेटेड मतलब जो कि संतृप्त हो जाए, संतृप्त का मतलब पेट भर जाए, है ना। जैसे कोई खा पी ले, है ना, संतृप्त हो जाए, कहे पेट भर गया तो सैचुरेशन कंडीशन में आ गया है ना, ये अब उससे ज़्यादा खा नहीं पाएगा। तो ऐसे ही करंट अब इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होगी, तो सैचुरेशन कंडीशन है ये, क्लियर। सैचुरेशन कंडीशन है तो इसे हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड करंट। अब क्या करेंगे, हर्ज ने देखा अगर इंटेंसिटी और बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो करंट और इंक्रीज कर जाता है। करंट इंटेंसिटी और बढ़ा दी, करंट और इंक्रीज कर गया, मतलब जैसे जैसे करंट इंटेंसिटी बढ़ाते हैं करंट इंक्रीज होने लगता है। तो इसमें लिखना ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सैचुरेटेड करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है ना, सैचुरेटेड करंट क्या होता है, ये भी हमारा इंक्रीज होता है। तो इसमें ग्राफ क्या मिलेगा, हमने क्या लिया, दो एक्सिस लिया, इधर लिया इंटेंसिटी, ठीक है, और यहां लिया हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्या लिया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ग्राफ कैसा मिलता है, इसमें स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन बना लीजिए इसको, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा दिया जाए तो करंट इंक्रीज करता है ना। करंट का मतलब हुआ कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके निकलने का जो रेट है वही हमारा करंट है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, उतना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इस कंडीशन में ये मिला, ठीक है ना, ये 1-1 लगा करके हमने एक्सपेरिमेंट किया तब ये कंडीशन मिला, है ना, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाते गए करंट बढ़ता गया। अब ध्यान दो, मान लो किसी भी इंटेंसिटी का लाइट आ रही है, कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, किसी भी इंटेंसिटी का लाइट आ रही है, हमने क्या किया, सडनली पोलैरिटी चेंज कर डाला, 1-1 को निकाल के प्लग 2-2 लगा दिया। प्लग 2-2 जैसे ही लगाते हैं और लाइट स्ट्राइक कर रही है, तो जब इसमें अमीटर में देखा गया करंट जितना पहले मैक्सिमम था उससे घट करके मिनिमम हो गया, करंट घट कर क्या हो गया, मिनिमम हो गया, मतलब कि बहुत कम हो गया करंट, लेकिन जीरो नहीं हुआ है अभी, करंट घटा है लेकिन जीरो नहीं हुआ है। इसका मतलब अब भी इलेक्ट्रॉन यहां वाले जो है यहां तक पहुंच रहे हैं भाई। इसको जब आप नेगेटिव कर दोगे तो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्वागत करेगा आने का, रिपेल मारेगा, तब जब रिपेल मारेगा तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन तब भी करंट यहां से यहां तक फ्लो कर रहा है, है ना। इसका मतलब ये है
इसका मतलब यह है कि इसमें अब भी इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं रिपल्सन होने के बावजूद, है कि नहीं? रिपल्सन होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर यहां पहुंच रहे हैं। तो सोचने की बात यह है, तो पहुंच कैसे रहे हैं? इसका मतलब इनके पास हाई एनर्जी है, मतलब इनके पास जो वही इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, बाकी जिसके पास एनर्जी थोड़ा बहुत कम है उसको रिपेल कर दे रहा है, लेकिन जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो यहां पहुंच रहा है, इसीलिए करंट कुछ ना कुछ शो कर रहा है, जीरो बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्लियर? और इससे एक कंक्लूजन और मिलता है कि जब हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़ती है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इससे भी कंक्लूजन मिला, मतलब सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं है। क्लियर ना? डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो यहां तक पहुंच जा रहे हैं, जिसकी एनर्जी थोड़ा भी कम है वो रिपल कर दिया जा रहा है P2 से। क्लियर ना? तो इसमें लिखे व्हेन, पैराग्राफ चेंज करके, व्हेन प्लग 2 and 2 आर इंसर्टेड, प्लग 2 and 2 आर इंसर्टेड, देन प्लेट P2 बिकम नेगेटिव, प्लेट P2 becomes नेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू P1, विथ रेस्पेक्ट टू P1, ठीक है ना? एंड हेंस करंट डिक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस एंड नॉट बी जीरो, बट लिखो, बट नॉट बी जीरो, बट नॉट बी जीरो, लेकिन जीरो नहीं होता है। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हमें, अगर मान लो करंट जीरो करना है, क्या करना है? जीरो। तो हम इंक्रीज कर देंगे इसका पोटेंशियल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स यहां तक पहुंच रहे हैं उनके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोकने के लिए वर्क करना पड़ेगा, मतलब हमें इनके अक्रॉस, इस प्लेट के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। बोलो। और उस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट क्या होगा? ये रोक दिए जाएंगे, मतलब वर्क होगा, तब करंट जाकर के जीरो हो जाता है, है कि नहीं? तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा ध्यान दो। जैसे कि मान लो कि ये हमारा है, करंट ले रहे हैं इस पर वाई एक्सिस पर, इधर ले रहे हैं पोटेंशियल, क्या ले रहे हैं? पोटेंशियल। ग्राफ बनाइए, इधर लिया हमने करंट, मतलब फोटो करंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं चीजों को। करंट मान लो पहले यहां था, किसी इंटेंसिटी का था ऐसे, ठीक है ना? तो करंट किसी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे आकर के क्या होता है? जीरो हो जाता है। ये नेगेटिव पोटेंशियल इधर है, मतलब ये नेगेटिव करेंगे, और नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करेंगे, है ना? तो क्या लिखेंगे इसमें? ऑन इंक्रीजिंग द नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल कॉमा एट अ सर्टेन वैल्यू, एट अ सर्टेन वैल्यू करंट बिकम जीरो, करंट बिकम जीरो। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, डिनोटेड बाई वी नॉट, है कि नहीं? किससे नोट करेंगे?
मतलब जिस पोटेंशियल पर करंट क्या होता है, जीरो हो जाता है घट करके, उसे कहते हैं हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब इस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को रोक दिया जाता है, ठीक है ना, इसे हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं या स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इस पोटेंशियल पे करंट बिल्कुल घट के जीरो हो जाता है। देखो करंट इधर है ना, करंट घटते 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 क्या हो गया, जीरो हो गया यहां पे इस पोटेंशियल पे, क्लियर ना। ओके तो ग्राफ समझ आएगा, ग्राफ इसका मतलब इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट हमने क्या किया, वर्क किया। वही वर्क क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब इसको रोकने जितनी इसके पास एनर्जी होगी उसके बराबर, हमें उस एनर्जी के बराबर वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क किस पोटेंशियल पे जीरो हो रहा है, वी नॉट पे। तो इसमें वर्क कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ई, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू वर्क। मतलब जो डब्ल्यू होगा वो कितना होगा, ई वी नॉट, और यही काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए पर्याप्त होगा, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं क्या, पैराग्राफ चेंज कर, ग्राफ तो बना लिया है ना, पैराग्राफ चेंज कर लिखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इज इक्वल टू क्या हो, के मैक्स ये हो जाएगा ई वी नॉट, कितना हो जाएगा ई वी नॉट। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है वी नॉट पे, अगर वी नॉट बढ़ेगा तो के मैक्स भी बढ़ेगा, वी नॉट कम रहेगा तो के मैक्स भी कम रहेगा। ये नेगेटिव पोटेंशियल होता है वी नॉट, नहीं इसका मैग्नीट्यूड लेंगे सिर्फ, क्योंकि ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें ये दिखाना कि हमने इसको नेगेटिव रखा बस। अब ध्यान दो, अब अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दें, मान लो करंट जीरो हो गया, अब आप चाहते हो करंट फिर से मैक्सिमम मिल जाए उतना ही जितना था पहले, तो क्या करेंगे आप, इंटेंसिटी मान लो ये आई इंटेंसिटी ग्राफ है, कितने इंटेंसिटी का है आई, आपने करंट क्या कर दिया, इंटेंसिटी बढ़ा दिया टू आई कर दिया, तो क्या अब भी करंट बढ़ जाएगा फिर से उतना ही। अगर इसका इंटेंसिटी मान लो आई इंटेंसिटी का था, नेगेटिव पे रुक गया, जीरो हो गया करंट, अब इंटेंसिटी बढ़ाने पर फिर से करंट बढ़ जाएगा, गलत है। इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन डबल निकलेंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे इस नेगेटिव पोटेंशियल पे, क्योंकि हमने पोटेंशियल क्या किया, इस डिवाइडर से क्या किया हमने, इंक्रीज किया। ना 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 ना, कितना भी इलेक्ट्रॉन हो, मैंने जब इस पोटेंशियल इसका बढ़ा दिया, इसकी शक्ति बढ़ा दी, तो कितना भी इलेक्ट्रॉन आएगा सबको रिपेल कर देगा ही, तो जीरो ही रखिए कितना भी इलेक्ट्रॉन आए। मतलब अब इंटेंसिटी बढ़ा दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ग्राफ में हम मेंशन कर सकते हैं, इसी ग्राफ में ऐसे दिखा दो, ऐसे ऐसे, ये ग्राफ, ये टू आई ग्राफ, थ्री आई ग्राफ, ये सब की इंटेंसिटी ऐसे, मतलब करंट मैक्सिमम होने वाला नहीं है इस आई टू आई थ्री आई पर भी, करंट क्या है घट के जीरो है, है ना, क्लियर। तो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो आप एक कंक्लूजन क्या मिला यहां पे, क्या मिला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नोट कर लीजिए, क्या लिखेंगे, हाँ, के मैक्स मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कितना बढ़ा दे कोई फर्क, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन। बोलो समझ में आ गया अच्छे से, फील आ गया इसका बढ़िया सा, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, बोलो क्लियर, हाँ क्लियर। तब किस पर डिपेंड करेगा,
तो हर्ज ने क्या किया, अब फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा दी, इंटेंसिटी वही है, इंटेंसिटी वही है, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ा दिया। मान लो ये न्यू किसी फ्रीक्वेंसी का रहा होगा, मान लो कि 10 लाख हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का है ना, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया लाइट की, और बड़ी फ्रीक्वेंसी की ले लिया, तो देखा क्या गया, करंट फिर से मैक्सिमम हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, करंट फिर से वही फ्लो होने लगा सर्किट में। समझ में आ गया ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या हो गया, करंट फिर से, इंटेंसिटी कुछ भी हो, अब इंटेंसिटी कुछ भी हो लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ा दें तो करंट फिर से वापस मिल गया वही। अब बड़े असर पड़े कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, करंट फिर से आ गया, अब उस फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या किया गया, जीरो किया गया, तो अब नेगेटिव पोटेंशियल को और बढ़ाया गया, नेगेटिव पोटेंशियल को और बढ़ाया, फिर करंट घट के जीरो हो गया, फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दिए, फिर करंट वही मिल गया, फिर उसको भी करंट जीरो करने का, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल को और बढ़ाते चले गए इसे, ठीक है ना। तो यहां से कंक्लूजन क्या मिला कि ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मैक्सिमम करंट इज ऑब्टेंड। लिख लीजिए, चेंज द पैराग्राफ, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मैक्सिमम करंट इज ऑब्टेंड। ठीक है ना, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया गया तो करंट मैक्सिमम मिला, अब करंट फिर जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा हमारा, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल आपका, ये ओरिजिन है कि हमने लिया करंट, तो यहां पे जो ग्राफ था ये मान लो आई इंटेंसिटी का ग्राफ है, इसके लिए हमारा घट करके पोटेंशियल वी नॉट, ये पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल है जिसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू वन, कितना है, न्यू वन है, ठीक है ना। अब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो फिर से करंट क्या होता है, बढ़ जाता है, और उसको जीरो करने के लिए फिर से हमको नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाना पड़ता है, ये न्यू टू फ्रीक्वेंसी के लिए है, इसके लिए कट ऑफ पोटेंशियल वी नॉट टू हमने लिया, फिर और हमने क्या किया, फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, करंट फिर मैक्सिमम हुआ, और उसको जीरो करने के लिए हमको कट ऑफ पोटेंशियल फिर बढ़ाना पड़ेगा, तो अब इसके लिए भी हमारा एक ग्राफ और बन जाएगा, कितना, ये वाला, ये है वी नॉट थ्री, ये न्यू थ्री के लिए, यहां पे न्यू थ्री बेटा ज्यादा है किससे, न्यू टू से, और न्यू टू बड़ा है न्यू वन से, क्लियर। ये ग्राफ बना लीजिए, क्लियर आ गया, अच्छे से बढ़िया से समझ में आ गया ना, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है तो करंट जीरो करने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है कि नहीं है, है ना। तो इसमें यही भी कंक्लूजन मिला, ग्राफ बनाने बाद नोट करिए, पैराग्राफ चेंज करके, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल depends on the frequency of incident radiation, frequency of incident radiation, ठीक है ना। तो ये conclusion मिला, graph तो बना ही लिए हो आप, है ना, तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और
हाँ तो अब इसके लिए हम अब ग्राफ अगर प्लॉट करें फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ पोटेंशियल या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है। तो इसके और इसके बीच ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ रहेगा? स्ट्रेट। भाई ये इंक्रीज कर रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली होगा ना, स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो पैराग्राफ चेंज कर लिखो, ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विल बी ए स्ट्रेट लाइन, विल बी स्ट्रेट लाइन। फ्रीक्वेंसी, ओरिजिन, और इधर हमने लिया के मैक्स या वी नॉट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है और हमारा जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा यहां से जाएगा, ऐसे ग्राफ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ओरिजिन क्यों नहीं जा रहा है ग्राफ, क्योंकि जो लाइट आ रही है ना उसकी फ्रीक्वेंसी कभी जीरो हो ही नहीं सकती, मतलब कम से कम कुछ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। मतलब इस फ्रीक्वेंसी से कम अगर हुआ, इस फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी हुआ तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए कुछ ना कुछ, और वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। तो जिस फ्रीक्वेंसी से कम ना हो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो ग्राफ ही बनाइए, ये क्या है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी अगर इसको हम पीछे खींचते हैं तो हमें वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव है वाई का, एक इंटरसेप्ट देता है ओबी। ओबी क्या है? का इंटरसेप्ट है ना, मैथमेटिक्स में इंटरसेप्ट पढ़ा है ना आपने, तो ये क्या है आपका इंटरसेप्ट है ये। और इसका स्लोप निकाल लेते हैं हम लोग तो बहुत कुछ चीजें हमें कैलकुलेशन करने को मिल जाती हैं। तो अभी फिलहाल ग्राफ ही बनाकर रखिए, स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ बन गया आपका। तो यही था हर्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो यहां से कंक्लूजन क्या मिलता है? बहुत सारे कंक्लूजन मिले हमें यहां पे। वो कंक्लूजन क्या क्या है ध्यान दो, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या कट ऑफ पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड किस पर करता है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और इस ग्राफ से हमें एक चीज और मिलता है यहां पे, कि जो लाइट स्ट्राइक कर रही है मेटल सरफेस पे उसकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोले तो कि इतनी फ्रीक्वेंसी रहे कि इलेक्ट्रॉन निकाल सके, कम से कम इतना हो, उस फ्रीक्वेंसी का नाम रखा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है ना। यही है हर्ज और लेनार्ड ऑब्जर्वेशन का एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। तो इससे हम कंक्लूजन तो बाद में लिखेंगे, अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो पढ़ेंगे, इसी हेडिंग में ही है। तो हेडिंग क्या रहेगा आपका, छोटी सी हेडिंग रहेगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कहां पे? हाँ, ये तो पोटेंशियल इधर लिए है ना हम, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू है। मतलब ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की एक वैल्यू है। इस काइनेटिक एनर्जी पर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो कभी फ्रीक्वेंसी जीरो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लो ये फ्रीक्वेंसी है, कुछ वैल्यू है, तो
तो इस पर अगर हम देखें बात करें, इस पर अगर हम सामने आए तो यहाँ पे इसके सामने आएंगे, थोड़ा सा इधर सामने आएंगे, है ना। मान लो फ्रीक्वेंसी ये है, इस फ्रीक्वेंसी पर इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो उस एनर्जी पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, क्लियर ना। के मैक्स क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव होगा, या वी नॉट क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव पोटेंशियल पे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, वो तो ऑलरेडी समझ चुके हो वहां पे। नेगेटिव पोटेंशियल मतलब कट ऑफ पोटेंशियल, और ये क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल नहीं है इधर। अंडरस्टूड मेरी बात को भाई? इधर क्या होगा, कट ऑफ पोटेंशियल आएंगे, या नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए, तो उस पर इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे ही नहीं, हाँ। इसका मतलब कि इधर वाले फ्रिक्वेंसी पर, वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और वो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू नॉट, इसी का नाम रखा गया है थ्रेशोल्ड। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे मतलब नहीं है, क्लियर ना, वो तो अपने आप में हाई फ्रीक्वेंसी है ही। तो हमने इधर क्या लिया, फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू लिया जिस पर इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हम लोग, कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही सकते हैं। तो हेडिंग क्या बनेगा इसके नीचे, जस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसी ग्राफ के नीचे हम लोग पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय मेटल सरफेस। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय मेटल सरफेस टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकलने में, है ना, टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन लिखा, इज कॉल्ड इट्स, उस मेटल सरफेस का मतलब इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट, इसे हम लोग न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, किससे, न्यू नॉट से, लिख लिया, क्लियर है। अब न्यू नॉट पैराग्राफ चेंज लिखो, न्यू नॉट इज इक्वल टू होगा सी बाई लैम्डा नॉट, न्यू नॉट क्या हो जाएगा यहां पर, सी बाई लैम्डा नॉट, और लैम्डा नॉट क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, भाई उसके करेस्पॉन्डिंग में वेवलेंथ तो होगी ना कुछ ना कुछ, तो लैम्डा नॉट क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या बोलेंगे बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, बोलो क्लियर है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। अब इसी में हेडिंग बनेगी एक ठो, वर्क फंक्शन, हाँ मैक्सिमम होना चाहिए फंक्शन। अब डाल दो हेडिंग इसी में, वर्क फंक्शन, आई होप इसको इरेज कर दें, अब कोई काम नहीं है। हेडिंग क्या बनेगा आपका, वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन डाल दो हेडिंग। वर्क फंक्शन क्या है बच्चों, अभी टाइम है ना अपने पास, कितना टाइम है बेटा, 4:10 है, ठीक है, वेरी गुड। डाल दो हेडिंग वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन ये एक एनर्जी है, क्या है, एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग उस मेटल सरफेस का क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे सीजियम के लिए सबसे कम होता है ना, और प्लैटिनम के लिए सबसे ज्यादा होता है वर्क फंक्शन की वैल्यू, ठीक है ना, क्लियर। सीजियम मेटल जो होता है उसके लिए वर्क फंक्शन शायद कम होता है, और प्लैटिनम के लिए सबसे ज्यादा होता है, तो डिफरेंट मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये एक एनर्जी है, जो लाइट हम स्ट्राइक करा रहे हैं उसकी एनर्जी, उसकी एनर्जी कम से कम इतना हो कि एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल सके, कितना इलेक्ट्रॉन, हाँ एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट करेगा वो मेटल सरफेस, उसे हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन उस मेटल का, ठीक है। तो लिखना इसमें,
द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाई, रिक्वायर्ड बाई अ मेटल सरफेस, मेटल सरफेस टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। क्लियर, यही है डेफिनेशन। इट इज डिनोटेड बाई W नॉट और phi नॉट, या W नॉट से डिनोट करेंगे या तो phi नॉट से। जनरली बुकों में आपको W नॉट ही मिलेगा, क्या मिलेगा? W नॉट। और W नॉट का जो फार्मूला होता है वो होता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, H इंटू न्यू नॉट। और इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ईवी। किस में मेजर करते हैं? ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10 को माइनस 19 जूल, ये भी आपने पढ़ रखा है। तो हम लोग इसे ईवी मेजर करते हैं, किसमें? ईवी में। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर रहता तो क्या करेंगे? 10^6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है तो 10^6 से क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही है वर्क फंक्शन। और पैराग्राफ चेंज कर लिख लीजिए, फॉर डिफरेंट मेटल सरफेस या फॉर डिफरेंट मेटल, डिफरेंट मेटल्स वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन विल बी डिफरेंट, वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन विल बी डिफरेंट, ठीक है, विल बी डिफरेंट। बोलो क्लियर। तो यही था हर्ट्ज और लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन और इससे रिलेटेड कंक्लूजन्स। तो आपने काफी कुछ कंक्लूजन देख लिया। बाद में लेनार्ड और मिल्कर ने इन्हीं कंक्लूजन को इकट्ठा किया, क्या किया? हाँ, कलेक्ट किया, एक जगह रखा और उसे कह दिया कि ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ। इसी कंक्लूजन को निकाल करके हर्ज लेनार्ड और मिल्कर ने क्या किया? एक जगह रखा और कहा इसे क्या? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हेडिंग रहेगा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। उससे पहले आप क्या लिखेंगे? लेनार्ड एंड मिल्कर गिव 5 लॉज, लेनार्ड एंड मिल्कर गिव 5 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेनार्ड एंड मिल्कर गिव 5 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 5 लॉज दिया इन्होंने, कितने लॉज? 5 लॉज। पहला लॉ क्या है? जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है या रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के निकलने का जो एमिशन का रेट है या उसी को हम फोटो करंट कहेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, है ना। तो पहला लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक
करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर। दूसरा, कट ऑफ पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। थर्ड पॉइंट, कट ऑफ पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट या रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? निकलते नहीं है। लास्ट पॉइंट है, देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। दैट इज इट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब जैसे ही लाइट स्ट्राइक करी वैसे इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं। यही 5 लॉज है ना। कितने लॉज? 5 लॉज। क्लियर। किसने दिया? लेनार्ड एंड मिल्कन ने दिया, यही ऑब्जर्वेशन को देखते हुए। तो बन गया लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 5 लॉज आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है बोर्ड एग्जाम में, राइट द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही सब आपको लिखना है बेटा। बोलो क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है ना था? अब यहां अगर आपने यहां तक क्लियर कर लिया, मतलब 50% आपने फिजिक्स ये चैप्टर जो है 50% पढ़ लिया। यही ग्राफ वगैरह ही से पूछता है ज्यादातर। तो अब बचा है आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, और उनके हेल्प से यही लॉ को हम एक्सप्लेन करेंगे उनके इक्वेशन से। क्लियर। और फिर इसका हम पढ़ेंगे डुअल नेचर, ठीक। फिर मैटर का भी डुअल नेचर पढ़ेंगे, मटेरियल पार्टिकल का, और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा क्लोज। क्लियर है ना। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।